दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के पहले वनडे मुकाबले के लेकर 12 घंटे बाद हुआ बड़ा खुलासा। जिस गेंद पर हार्दिक पांड्या आउट हुए थे वो गेंद नो थी, मगर दोस्तों अब आईसीसी ने एम्पायर पर इतने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहला वनडे मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 349 रन स्कोर रोल पर लगाए 8 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा सुमन गिल ने 149 गेंदों में 208 रन लगाए। मगर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम जब मैदान पर आई तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। हालांकि न्यूजीलैंड की ओर से माइकल ब्रेसवेल ने 140 रन की तूफानी पारी खेली और कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कमाल नहीं कर पाया, और इस तरीके से भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को 337 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। मगर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मामला उस वक्त का है जब भारतीय टीम की ओर से बैटिंग कर रहे थे हार्दिक पांड्या, तो वहीं न्यूजीलैंड की ओर से बॉलिंग करा रहे थे डैरिल मिचेल। जैसे ही डैरिल मिचेल ने 37वें ओवर की चौथी गेंद कराई तो हार्दिक पांड्या उस गेंद पर आउट नहीं थे, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप साफ साफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे टॉम लैथम के ग्लिप्स से वो गिल्ली गिरी थी, मगर फिर भी एम्पायर ने हार्दिक पांड्या को आउट करार दे दिया, क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले में एम्पायर ने सरासर बेईमानी कराई थी। वैसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या एम्पायर पर आईसीसी को जुर्माना लगाना चाहिए या फिर नहीं।